अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? से उम्मीद आपसे ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। तो माशाल्लाह आप ईद का चांद देख लिया था हमने, और ये मेरी वीडियो थोड़ी लेट अपलोड हो रही है तो माजरत के साथ। तो ईद का चांद भी देख लिया, तो आपको ईद की बहुत बहुत सी मुबारकबाद। तो वीडियो आपको जब तक मिलेगा तो शायद तीसरी ईद होगी या फोर्थ डे होगा ईद का। और ये मैं ईद चांद रात के दिन रोज़ा खुलने से पहले ही मैं इफ्तारी ये बरिस्ता की तैयारी मैंने कर ली थी, बिकॉज़ ये हमारा सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ईद के दिन अगर हम इसमें बिज़ी रहेंगे ना तो गेस्ट भी आते हैं और उसमें हम बिज़ी होते हैं तो ये काम हमारा रह जाता है। तो मैंने अपनी तैयारी में सबसे पहले बरिस्ता की तैयारी कम्प्लीट कर ली थी, और हमें कहीं जाना था शाम को मेहंदी की कोन वगैरह लेने के लिए। तो हमने थोड़ी सी बस मेहंदी लगा ली, और नेक्स्ट डे रात ही में मैंने ईद के सारे जो हमारे आउटफिट्स थे वो आयरन करके रख लेते थे। ये हमारे माशाल्लाह से ईद के आउटफिट्स थे। इसकी फ़ोटो पिक्स मैं आपके साथ वापस शेयर करूँगी फिर से अलहदा से। और ये हमारी ईद की आउटफिट्स थी। अस्सलाम वालेकुम, तो आज है ईद का दिन, तो माशाल्लाह से सब तैयारी हो गई थी। मम्मी और मैं दही बड़े बना लेते, हस्बैंड पापा और जीशान चले गए थे ईद की नमाज़ के लिए, और हम लोग शिरकोमा की दही बड़े की सबसे पहले प्रिपरेशन कर लेते हैं। और ये ऑलमोस्ट हमारा दही बड़ा होने आ गया, और फिर उसके बाद हमने नाश्ता किया, सब लोग ने नहाए वगैरह तैयार हुए, और उसके बाद हम लोग आ गए किचन में बैक टू पवेलियन। और यहाँ हम बना रहे थे बिरयानी, तो बिरयानी की तैयारी ऑलमोस्ट मैंने थोड़ी बहुत कर ली थी, मसाले वगैरह हमने पीस लिए थे, बरिस्ता का हो चुका था। और ये देखिए पेपू महाराज, ये अपना सो रहा है एसी में मस्त में, क्या करें बेचारे, गर्मी इतनी है तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है बिकॉज ऑफ देयर हेयर्स। तो इनकी भी तो ईद है ना, ये लोग सो रहे हैं, रात भर जगा के चल रहा थी ना भाई। तो अब यहाँ हम बिरयानी की तैयारी, हमारी बिरयानी का जो ग्रेवी है वो ऑलमोस्ट डन हो गया, इसे अच्छे से हमें भूनना है। साथ ही में शिरकोमा भी माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे गेस्ट भी आ रहे थे पापा के साथ साथ, हम ये भी काम कर रहे थे, साथ साथ हम इन्हें सर्व भी कर रहे थे, दोनों साथ में काम हो रहा था। तो अगर हम बिरयानी की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लेते हैं ना प्रीवियस डे, तो हमारा ईद का दिन है ना इतना क्राउड, मतलब इतना हम परेशान नहीं होते इजीली। तो यह हम बिरयानी की लेयरिंग कर रहे थे, और ये बिरयानी की लेयरिंग ना गाइस नीचे बैठ के ही मस्त में होता है, किचन के जो प्लेटफॉर्म पे बिरयानी की लेयरिंग बिल्कुल नहीं जमती हमें, तो अगर हमारी बिरयानी ज़्यादा क्वान्टिटी में हो। तो अब ये हमारे शिरकुमा रेडी हो गया था। शिरकुमा मैं पी रही थी शाम को, मुझे सुबह में शिरकुमा नहीं पीती हूँ, मैं शाम के टाइम पीती हूँ, क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना वो और एनहांस हो जाता है। हु इज़ रेडी टेबल पी टू मी, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा कौन कौन शिरकोमा शाम को पीता है या नेक्स्ट डे पीता है। तो ये मेरा ईद का सेकेंड डे, हम कहीं जा रहे थे क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर, उसके हस्बैंड, उसकी फैमिली आई थी, तो हम लोग बच्चों को लेके कहीं बाहर जाने का डिसाइड किया कि बच्चे बेचारे बहुत बोर हो गए थे, ईद का दिन था तो चलो बाहर जाना तो बनता है। तो हम पहुंच चुके थे मॉल, और बस क्राउड इतना नहीं था, थोड़ा बहुत गेम सेक्शन में क्राउड था, और हमने थोड़ी बहुत बच्चों को कुछ लेना था सामान, उन्होंने अपनी ईदी से कुछ चीज़ें खरीदनी थी तो उन्होंने वो सब ले ली, और हमने वहाँ से निकले। फिर हम कहीं खाने गए, और डिनर में मतलब हमने थोड़ा बहुत मंचिंग किया और अच्छे से खूब से इंजॉय किया फैमिली टाइम एंड मी टाइम्स विद फैमिली, और बहुत अच्छा लगा सबके साथ, हमारी ईद अच्छी रही। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग मेरी वीडियोज़ को इन्जॉय करते हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करना गाइस, तो को क्या कर रहे हैं आप, सब्सक्राइब कीजिए एंड ही डबल आइकन, डोंट फॉरगेट टू हिट डबल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन, आपको मिलती रहेगी नए वीडियोज़ की। और अपना ख्याल रखिएगा खूब सारा, और मेरे तरफ से आपसे ये कहना था कि आप फिलिस्तीन गाज़ा के लिए दुआएं करिए हर नमाज़ में, हमेशा अपने दुआओं में उन्हें याद रखिए, अल्लाह ताला से उन दुआ करें कि अल्लाह उनकी तकलीफ़ आसान करे, उन पर अपना रहम और करम फरमाए, और अपने प्यारों को, अपने नज़दीक वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोस वालों को खुश रखिए, खुश रहिए, दुआ में मुझे याद रखिए, टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, अल्लाह हाफिज़।